अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ इंटरनेट कैफे सिमुलेटर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बता देता हूँ। इस गेम की स्टोरी कुछ ऐसी है कि भाई हम लोग जो है एक होटल में रुके हुए हैं, बेसिकली उसका भी एक रेंट जाता है हमारा, इसमें कोई अपना घर नहीं, और हमारा जो है ना इसमें इंटरनेट कैफे है, मतलब वो अभी हमारा है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमने जो है ना भाई बैंक से $10,000 का लोन लिया है, और $10,000 हमारे अपने थे। वो क्यों? क्योंकि वो एक पुरानी सी शॉप है जो हमने परचेज की, और उसमें जो है सामान डालना है हमें, उसे गेमिंग जोन बनाना है, इंटरनेट कैफ़े बनाना है, उसमें सामान PC, LCD, कीबोर्ड, माउस, उसकी सफाई करनी है, उसकी डेकोरेशन करनी है। तो इस वजह से जो है हमने बैंक से भी लोन लिया $10,000 का। तो चलो भाई, ये जो है अभी छोटा सा एक हमारा होटल रूम है, और हमारे पास जो है $20,000 हैं, और वेट इसको हंगरी भी है भाई, भूख लग रही है मुझे। वेट एक मिनट, मैं इसकी सेंसिटिविटी बढ़ा दूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो हुई थी। तो चलो, ये हमारा एक छोटा सा होटल का रूम है, और ये क्या, आई थिंक यहाँ पे जो है हम लोग थोड़े से एंटरटेनमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये गिटार है, इसको बजा सकता है? नहीं यार, इसके देखो भूख लग रही है, इसके पेट में से गुड़गुड़ आवाज़ें आ रही है। सबसे पहले जो है ना, हम फ्रिज में कुछ रखा हुआ क्या खाने का? ओ हाँ, सूप है, और क्या है, पिज़्ज़ा। ये भाई पिज़्ज़ा का बॉक्स ब्लैक हो गया क्या, जला दिया क्या? डोनट भी है, और कैन फूड, ओके यार, ये क्या बर्गर, ओ सॉरी ब्रेड, तो हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। ओके, इतना तो हो गया, हम डोनट खा लेते हैं, फुल हो जाएगा ये, अब सही। ओ ये भी मैंने खा लिया एक्स्ट्रा, सॉरी पेट भाई, अब तो ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर अपना ये थोड़ा लिविंग रूम है छोटा सा होटल का, और यहाँ पर ये टीवी चलता नहीं, बाहर यहाँ से कुछ झाँकते हैं, और यहाँ से तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा भाई। खैर, हम लोग चलते हैं जल्दी से, ये छोटा सा ही बस अपना सिस्टम है, हम लोग चलते हैं बाहर। और ये क्या है भाई, छोटा सा स्टोर रूम है शायद, और ये जो है अपना बेडरूम है। ये तो हमने वैसे हमने ये पूरा देखा भी नहीं, दरवाजे खुलती नहीं, थोड़ी चेकिंग हो जाती। और ये कौन सा रूम है, ये लॉक है, ये लॉक है, ओके। ये क्या है, ये वॉशरूम है, काफ़ी ज़बरदस्त वॉशरूम है, बढ़िया सा। और निकलते हैं बाहर, ये अपना जो है एग्जिट डोर है, हमारा जो है 233 हमारा रूम नंबर है होटल में, बेसिकली। और ऊपर भी जगह, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर छत वत आती है क्या? ओ यार बहुत ऊपर है, खैर छोड़ो, हम लोग चलते हैं सीधा जो है ना अपनी शॉप की तरफ। और मैंने अभी जो है ना अभी तक बाहर निकल के भी नहीं देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे ये गेट खुलते हैं दूसरों के, नहीं ये भी लॉक है। ओके, ये रहा हमारा होटल का गेट, एग्जिट होते हैं यहाँ से। और होटल तो देखो मैं ज़रा बाहर से, कहाँ पतली सी गली में ये इन्होंने बनाया हुआ है, और इसका नाम क्या है, नाम खाली होटल बस। ओके, और यहाँ पे जो है कुछ पेडेस्ट्रियन घूम रहे हैं, विस ओ इनके मूड भी आ रहे हैं, ये थोड़ा बोर, ये इग्नोर, ओ सैड भी है भाई, सैड ये तो इग्नोर। और ये क्या बेच रहे हैं भाई जान, खाना बेच रहे हैं, ओके। यहाँ से जो है हम लोग अपना फूड वगैरह जो परचेज कर सकते हैं, चलो ये तो बहुत हो गया। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, आई थिंक वो बार वगैरह, ओ इसको इग्नोर करना बराबर में, वो आई थिंक बार है, मुझे लग रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो सीधा जो है ना अभी हम सबसे पहले चलते हैं अपनी शैडो गेमिंग इंटरनेट कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े भी कह सकते हैं हम इसे, और गेमिंग जोन भी बोल सकते हैं, जहाँ पे तुम जैसे ख़तरनाक प्लेयर्स आके बैठ के काउंटर स्ट्राइक ठों 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 करते रहते हो ना, तो वो यार ये कार्गो एरिया आई थिंक, मुझे लग रहा है यहाँ पे जो हम लोग सामान वगैरह ऑर्डर करेंगे शायद वो यहाँ पर आएगा। तो चलो हम सबसे पहले चलते हैं अंदर। ओ ये देख रहे हो कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है यार ये, और इसको जो है अभी हम गेट बंद कर देते हैं, ये ना हो कोई सिविलियन अंदर आ जाए कहे भाई हमें इंटरनेट यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी तो इस हालत में मैं पहले पूरा देख लूँ। ओह बहुत ज़्यादा कचरा है यार, बहुत ज़्यादा कचरा है। ओके, ये लॉक है, आई थिंक मुझे लग रहा है ये हमें बाद में परचेज करनी पड़ेगी, हमें जो अभी हाफ जो शॉप वो रेंट पे दिए। ओके, ये रेंट पे शॉप। ओह ये भी लॉक है, ये क्या किचन है ये? ओह ये किचन है, ओके। तो चलो अभी सबसे पहले सेल्स गन, ओके, और ये क्या है, बेसबॉल बैट, और ये क्या है, एसी का रिमोट है क्या, टेम्परेचर मीटर, ओके। रूम का जो टेम्परेचर वगैरह भी देखना, क्योंकि काफ़ी सारे CPU गेम PC वगैरह लगेंगे, तो भाई गर्म हो जाता है उससे भी। सबसे पहले जो है ना हमें सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई के लिए भाई ये सब साफ़ करना पड़ेगा, ट्रैश इसको भी साफ़ करते हैं, ये भी ट्रैश है, पिज़्ज़ा के बॉक्स, ओ भाई ये क्या है, पोस्टर साफ़ नहीं करना, ये हम लगाएंगे, ये हमारे काम का है भाई पोस्टर, इसको अभी हम कहीं मस्त जगह पर लगाते हैं, शो वाली पे। और ये दूध की बोतल कौन पीता है यहाँ पे, दूध लाके कौन पी रहा भाई, घर में दूध नहीं मिल रहा, सिगरेट है, इंटरनेट कैफे है तो भाई सुट्टाबाजी तो फुल चलती है सर, तुम लोगों को भी पता होगा अगर कभी गए हो तो, और मैं तो जाना भी नहीं। और यहाँ से भी ट्रैश भाई, काफ़ी सारा कचरा पड़ा हुआ है, सिगरेटें भी बहुत भाई फूकी है यहाँ पे लोगों ने, और यहाँ पे भी कहीं पड़ा हुआ था, ये रहा ये देखो, ये जिसकी पहले शॉप थी ना भाई उसने सही गंद मचा के यहाँ पे रखा हुआ, और ये सब हमें जो है ना अभी साफ़ करना है, ताकि हम यहाँ पे जो है ना अपना एक बढ़िया सा सेटअप कर सकें, मतलब ख़तरनाक से गेमिंग PC ला सकें, चेयर टेबल्स और बहुत कुछ होता है इसमें भी, वो सब हम खरीदेंगे। लेकिन हमारे पास जैसे $20,000 हैं, इसमें जो है हमें बैंक का लोन भी रिटर्न करना है $10,000। हो ये क्यों नहीं हो रहा,
ओके यार पिज्जा यहाँ पे लोगों ने कितने खाए, इतने तो भाई फ्री के मिल लेते क्या यहाँ पे? तो ये भाई ये छत कच्ची है क्या, ऊपर से मट्टी की? ओए लाइटें भी मुझे लग रहा है कि चेंज करनी पड़ेंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी तो है इस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। शायद हम लोग इस पर वॉल वगैरह भी, शायद वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं, वो सब अभी देखेंगे मार्केट में। इसमें अमेजोन वगैरह भी है तो वहाँ से भी हम जो है बहुत कुछ परचेज कर सकते हैं। ओके ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन मैं इसको रखूँ किधर यार? ये मैंने अभी तो साफ़ करा ये भाई, मुझे लग रहा है छत लीक है इसकी बारिश की वजह से, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही। मैंने ये तो साफ़ कर लिया, लेकिन मैं इसको किधर रखूँ? इसको मैं बाहर कहीं रख दूँ कि ये ना हो कि कोई ले जाए? इसको जो है मैं यहाँ कहीं रख देता हूँ। ओके कार्गो एरिया में मैंने इसे फेंक दिया है, क्योंकि अंदर नहीं रख सकते ना यार। चलो इसको, ओए मुझे तो अंदर आने दो भाईजान। चलो ये वाला पोस्टर भी हम बाद में कहीं लगाते हैं, लेकिन पहले हम अपना पीसी ऑन करते हैं। चलता भी है ये? ओके तो ये हमारा पेंटियम 4 कोर टू डू, 4GB रैम और 512 MB का ग्राफिक कार्ड और डायरेक्ट टैक्स, पता नहीं कौन सा 4-5 हुआ होगा इसमें। पीसी तो वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है। ओके स्टार्ट करते हैं इसे, और भाई चलता भी है पता नहीं। ओह चल रहा है भाई, विंडोज 10 हुई हुई क्या इसमें? काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ले रहा है भाई, क्योंकि पुराना पीसी। ओके तो ये पीसी ऑन हो चुका है, अभी हमारी जो शॉप है वो क्लोज है। टेम्परेचर 25.5। ओके अमेजोन तुम लोग देख सकते हो, अमेजोन की कॉपी जैमेजोर। ये कंप्यूटर पता नहीं क्या वर्कर्स, गेम्स भी हम परचेज कर सकते हैं। शेडो गेमिंग ये हमारा स्टोर है, हम यहाँ पे बहुत कुछ सेल भी कर सकते हैं। ओके और ये आईसी डिज़ाइन ये क्या है? ओके ये वॉलपेपर्स, वॉल्स वगैरह जो हम यहाँ से परचेज कर सकते हैं सारी, तो वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी अच्छी हैं इसमें। एक काम करते हैं, इसमें वॉलपेपर भी हैं और ये हमारे आई थिंक पीसी का होगा। और ट्यूटोरियल नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, सेल भी कर सकते हैं, हमारे पास अभी बेचने के लिए कुछ है ही नहीं। और स्क्रैच एंड विन, सबसे पहले हम चलते हैं वर्कर्स में। वैसे क्या बॉडीगार्ड भी हम इसे हायर कर सकते हैं अपनी शॉप के लिए, और शेफ भी। शेफ तो हम अभी हायर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो किचन वाला एरिया है वो तो क्लोज है, वो अभी हमने परचेज नहीं किया। तो हम चलते हैं 3rd क्लास अमेजोन जमाजोर पे। तो सबसे पहले एयर कंडीशन नहीं भाई, एसी नहीं चाहिए। आर्केड मशीन, कंप्यूटर केस। ओके इसमें हम कस्टम पीसी भी बिल्ड कर सकते हैं क्या? कंप्यूटर केस नहीं, इसमें हम डायरेक्ट पीसी परचेज कर सकते हैं। ओके तो अभी जो है ना हमारे पास $220,000 हैं, और यहाँ पर काफ़ी हैवी पीसी भी हैं भाई। तो हमें जो है ना सबसे हमारा जो सस्ता सा है वो है ये वाला $1,409 का, और उसके अलावा सबसे हैवी है हमारा बेस्ट ऑफ 99 में आ रहा है भाई। तो दिस इज़ नॉट अ जोक, यू आर द भाई, ये वायरस हमें नहीं चाहिए। ओके तो ये वाले हम परचेज कर लेते हैं। कि हम कितने खरीदें? 5 खरीद लेते हैं। एक ओ लोडिंग हो रही है। ओके बाय में भी भाई लोडिंग है, वो तो हमें इसका वेट करना पड़ेगा, क्या पता इसकी डिलीवरी टाइमिंग भी एसी में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम और भी चीज़ें देख लेते हैं, कूलिंग फ़ैन भी है, तो फ़ैन भी जो है हम परचेज़ कर ले, सस्ते वाले ले लेते हैं ये वाले। और चेयर्स भी हैं, चेयर्स तो सबसे महंगी वाली गेमिंग चेयर ये है, और ये वाली है मिड रेंज में, सबसे सस्ती प्लास्टिक की ये है। लेकिन प्लास्टिक वाली से अच्छी मुझे ये लग रही है, ये थोड़ी $780 की है, और ये वाली तो सबसे ज़्यादा ही बेस्ट है, लेकिन ये $3,000 की ऑलमोस्ट। तो हम ये वाली भी ले सकते हैं, हमारे पास 5 पीसी है, 5 हमें टेबल भी लेनी पड़ेगी। पीसी हमारा हो गया, यप एक और ले लेते हैं। और फ़ैन भी हम, फ़ैन तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो मैं जो है ना भाई बहुत स्लो डिलीवरी कर रहे हैं ये लोग। चेयर भी हम ये वाली ले लेते हैं एक, और चेयर भी हमने ले ली। ये क्या है? फ़ैन। ओके ये टेबल फ़ैन है, ये भी हम ले सकते हैं। गेमिंग कंसोल भी देख लेते हैं। ओके कंट्रोलर्स भी हैं, जॉयस्टिक ब्लैक, प्ले स्टेशन भी है भाई, PS4 भी है, 3 ये रहा, लेकिन ये $3,000 का ये हमें नहीं चाहिए। हेड है ना, इस्माइल साहब नहीं भाई, वायरस नहीं चाहिए हमें। सबसे पहले तो यार मैं ना ये पीसी ज़रा देख लूँ, जल्दी जल्दी डिलीवर करो, अभी तक 2 ही करें यार। ओ मैंने ऐसा क्या ख़रीद लिया जो भाई हमारे पास सिर्फ $16,000 बचे? 3,000 के मैंने सिर्फ पीसी ख़रीद लिए, वाओ हैवी। $7,500 के अपने पीसी आएंगे ऑलमोस्ट। सीपीयू तो हमें मॉनिटर भी लेने हैं, तो ये एक और ले लेते, 3 सीपीयू हमारे हो गए। फ़ैन मैंने 2 ले लिए हैं, तो बस 2 भी बहुत हैं। चेयर मैंने 1 लिए, तो एक और ले लेते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये वाले फ़ैन कौन था? ये टेबल फ़ैन है, हमें नहीं चाहिए। हेडसेट देख लेते हैं, हेडसेट तो यार बहुत महंगे हैं। चलो कीबोर्ड देख लेते हैं। कीबोर्ड जो है इसमें हमें भाई 200 वाला ही दे दो, अभी हमारे पास इतना कैश नहीं है। बैंक रिटर्न भी देना है, जो हमसे थोड़ा सा हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो हम वो ले लेंगे। माउस देखते हैं,
सबसे बेस्ट वाला ये 256 का, ये 200 का, यही वाला ले लेते हैं भाई। ये लैपटॉप है, ये हमें चाहिए मॉनिटर्स। ओह हैवी पीसी जो है हमारे, आई थिंक तीन हो गए ना। यप, तो हम एक और ले लेते हैं। चेयर हम हमारी दो हो गई हैं, और एक और ले लेते हैं, पांच हमें चाहिए। सॉरी बाजी आगे बढ़ो। हेडसेट नहीं, हमने नहीं लेने की यार, ये क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हो। ये तो अभी तक डिलीवर ही नहीं हुआ भाई। ये एक और लेते हैं, और माउस ये भी ले लेते हैं। एक एक करके भाई बहुत लेना पड़ रहा है, ये तो अजीब ही सीन है। अभी हम चलते हैं मॉनिटर्स की तरफ। मॉनिटर्स में भाई 1000 ऑलमोस्ट 1600 डॉलर्स का ये वाला है, ये 2000 डॉलर, ये 1300, ये 3000। ओके काफ़ी है, ये तो हमें चाहिए नहीं, तो हम ये वाला ले लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 1500 का है, और सबसे अच्छा तो इससे अच्छा तो फिर ये वाला है। ये LED Q452, और ये वाला कौन सा गेम RTF HQ हाई क्वालिटी है, ये ले लेते हैं अपन। और उसके अलावा TV LCD हमें नहीं चाहिए, पोस्टर तभी हम देखते हैं। माउस हम और ले लेते हैं, हमारे दो हो गए। कीबोर्ड ये वाला दो हो गए, और सॉरी बहुत वायरस लगा हुआ भाई इसमें तो नो, एक और ले लेते हैं। एक PC हमारा रह गया, वो भी ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं देखूँ हमारा सामान कितना आ गया है, क्योंकि हमें सामान भी तो देखना है ना यार, हमने कितने देख लिए। टेबल्स भी अभी हमने अभी तक ऑर्डर नहीं किए। ओह इतना सारा सामान आ चुका अपना। कीबोर्ड ट्रांसपेरेंट, और CGP आई थिंक ये CPU है, और ये माउस है। ओके और ये क्या है, ये भी माउस है, और ये क्या है, ये भी CPU है अपना। ये LCDs आ गई। ओके अभी हमें जो है ना वो लेनी है, क्या कहते हैं, टेबल्स। तो टेबल्स हम परचेज करते हैं, हमें 5 टेबल्स लेनी है। तो हम चलते हैं टेबल्स में, ये रही टेबल्स। ओके 2000, ओह बहुत महंगी महंगी है भाई जान, बहुत महंगी है। हमारे पास ऑलमोस्ट सिर्फ 6668 डॉलर्स बचे हैं। हमें इसमें टेबल्स लेनी है, और वॉल्स भी लेने हैं, और अभी आई थिंक हमने थोड़ा बहुत सामान नहीं लिया PC का। तो हमें सबसे बेस्ट चीप टेबल कौन सी मिलेगी, ये वाली जो सबसे ज़्यादा चीप है, तो हम ये ले लेते हैं। ये मुझे जो है 5 लेनी है, मैं ये 5 परचेस कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो मैंने टेबल्स परचेस कर लिए, अब जल्दी से जो है ना यार, हम लोग अपना सामान जो है ना सारा उठा के अंदर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया। हमारे पास सिर्फ 1805 डॉलर्स बचे हैं, जिसमें हम अब थोड़ा डेकोरेशन का सामान ले। ओ इतना सारा सामान भाई, इतना सारा सामान हो गया है कि सब नीचे तक गिर गया है। तो एक काम करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना टेबल सेट करते हैं ले जाकर। सबसे पहले एक टेबल मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, जो है सामने दो टेबल्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे मैं पहले एक लगा देता हूँ। तो इसके लिए ये आ गए टेबल। ओके इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा इसको हम करते हैं सेंटर यहाँ से। परफेक्ट, ये आ गई एक टेबल। ओके दूसरी भी लेकर आ जाते हैं भाई, बहुत सारा सामान है, इसको तो लगाते लगाते ना अपनी हालत बुरी हो जानी है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी शॉप के लिए मंगवाया, तो दूसरी जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके ये भी खुल गई है, तो अब इसको टेक लेते हैं, और यहाँ पे इतनी जान है लौंडे में भाई, इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल बराबर रखेंगे। परफेक्ट, इसको यहाँ पे हमने पुट कर दिया है। इसके उसके बराबर मुझे नहीं लग रहा है कि एक टेबल और आएगी, तो हम लोग थोड़ा सा गैप रख लेते हैं। इसको मैं टेक लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर, परफेक्ट ये सही भाई, क्यों हिल लिया इतनी ओए चलो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। ओके ये परफेक्ट हो गया, इतनी स्पेस सही है। एक और टेबल हमें देखनी है, ये रही, ये हम उठाते हैं, इसको भी लगाते हैं जल्दी से। इसको यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि यार एक ही आएगी, तो इसको जो है ना हम यहाँ पर लगा देते हैं, टेक लेते हैं। इसको यहाँ पे इसको राउंड करना पड़ेगा, इसको तो भाई वहाँ हुआ होगा इसका तो फेस। ओके इसको थोड़ा करीब ले जाके बिल्कुल वॉल के साथ, ये आ गई, थोड़ा गैप तो नहीं है ना, नहीं परफेक्ट है भाई, बिल्कुल वॉल के साथ है। एक और हम लोग उठाते हैं यहाँ से, ये तो ये पता नहीं क्या है, ये LCD है, सॉरी ये चेयर है, और एक और टेबल थी ना यार, कहाँ गई, ये रही, इसको भी लेते हैं। दो टेबल्स अपनी अभी बची हुई हैं, तो इसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कहीं लगा देता हूँ। यार वैसे यहाँ पे 3 आ जानी चाहिए, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं आएंगी। यहाँ पे जो है ना मैं इसको, भाई जान तुम उछलते कूदते रहना बस। चलो या इसको मैंने गलत लगा दिया, तो इसको हम दोबारा से सेट करते हैं। इसको यहाँ पे मैं इसको राउंड करते हैं इसको। ओके इसका फेस इस तरफ हो चुका है, और ये आ गई यहाँ पे, वो कहाँ गई, इतनी दूर कहाँ से चली गई। यहाँ पे इसको देखते हैं कि आ तो जाएगी, नहीं यार ये थोड़ी सी जो है ना बाहर हो रही है, तो ये यहाँ पे नहीं आ सकती। एक काम करते हैं,
हम इन दो टेबल्स को जो है ना यहाँ पे अंदर सेट कर देते हैं, ताकि यहाँ पे जो है ना दो पीसी यहाँ पे भी होने चाहिए। तो चलो एक को मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, नहीं यहाँ पे नहीं, सामने वॉल में लगा देता हूँ बिल्कुल, ताकि दोनों की जो है ना सामने मेरी नज़र रहे। ये पता नहीं कौन क्या देख रहा हो भाई। तो चलो यह सीधी क्यों नहीं लगी, इसको हम दोबारा लगाते हैं यहाँ पर। परफेक्ट भाई, सीधी लग जा। ओह बहुत यार तंग कर रही है। चलो अब सही है, हाँ चलो लिटिल बिट बस सही है। ओके अभी जो है ना हमारी एक और, भाई वो मुझे लग रहा है कहीं नीचे दब गई है, ये रही। ओके इसको भी लगाते हैं, पांच टेबल अपनी आ जाएंगी यहाँ पर। तुम यहाँ खुलो, उसके बाद तुम्हें भी सेट करते हैं यहाँ थोड़ा सा, बिल्कुल मिला के ये आ गई। परफेक्ट अब हम लगाते हैं इसमें इनकी ये कौन है भाईजान, अभी शॉप क्लोज है, शॉप क्लोज है, अभी जाओ यहाँ से। आई थिंक मुझे लग रहा है कोई बेगर है, तो ये आई थिंक मॉनिटर है। ओके तो इनको लगाते हैं मॉनिटर, हम सबसे पहले यहाँ पे लगा देते हैं। ओए भाई महंगा है, क्या कर रहा है, इतना महंगा मॉनिटर है तो उसको ऐसे गिरा रहा है, अभी बैंक का लोन भी पे कर रहा है भाई। चलो ये आ गई, एक मॉनिटर ये आ गया, और दूसरा ये तो चेयर है, और ये भी चेयर है, ये भी चेयर है, ये कीबोर्ड, ये प्लास्टिक सीलिंग फैन, फैन ऊपर के। ओके ये भी चेयर है भाई, मॉनिटर तो दे दो मॉनिटर, इतना दूर दूर सामान पड़ा हुआ है ना, ये भी माउस कीबोर्ड, यार ये क्या सीन है। चलो मैं यहाँ से जो है ना भाई, मैं फंस गया इसको मैं यहाँ से, चलो इसको लगाते हैं, ये चेयर है इसको हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर। चलो ओ ये चेयर तो वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऑफिस टाइप की है लेकिन अच्छी है, जो प्लास्टिक वाली चेयर से तो अच्छी है। चलो इसको यहाँ लगाते हैं, परफेक्ट। ओके अभी जो है ना हम लोग, अब क्या है ये सामान, ये भी चेयर है इसको भी लगा देते हैं जल्दी से यहाँ पर। ओके इसको टेक लेते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं। ओह ये तो परफेक्ट ऐसी आ गई, ज़बरदस्त, बस ये टच ना हो टेबल से, बाकी तो ओके। ये ना हो ना यार हमारी टेबल ख़राब हो जाए। तो चलो इसको भी लगा देते हैं यहाँ पर। ओ ये तो ऐसे ही सही आई है भाई, लेकिन इसको थोड़ा सा सेट करना मांगता। ओ क्या कर रही है भाई, दूसरी क्यों ख़राब कर रही है, दूसरी चेयर नहीं भाई, देख के काम करना है बिल्कुल। हमारी जो है पेट भी हमारा खाली होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, वो भी हमें ख्याल करना है, भूख भी लग रही है भाई। तो चलो ये कौन सा फ़ैन है ये, ओके फ़ैन लगा देते हैं, फ़ैन हमने लगाना है यहाँ पर। इसको लेते हैं यहाँ कहीं, यहाँ लग जाएगा ना, या फिर यहाँ, भाई क्या कर रहा है, उठाना महंगा सामान है। ओके फ़ैन थोड़ा सा इधर करते हैं, लाइट पर ना लगे बस, परफेक्ट। चलो चलो फ़ैन चालू हो गया, हमारा सर ना आ जाए, वैसे बहुत नीचे छत है। ये कीबोर्ड आ गया है, कीबोर्ड को यहाँ पे लगाते हैं। ओके ये अपना आ गया कीबोर्ड, थोड़ा सा यहाँ कर देते, माउस रखने की भी जगह चाहिए ना यार। ओके तो ये क्या सामान है, ये है माउस। ओके इसको भी उठाते हैं, वैसे मैं सारा सामान जो है ना यहाँ पे लाके रख देता हूँ, क्योंकि बाहर जो है ना भाई बहुत खिचपिच हुई हुई है, मतलब सारा सामान जो है ना हमारा इतर बितर हुआ हुआ, तो सब उठा के मैं अंदर ही रख देता हूँ, वैसे भी खोल ही रहा है। ओके ये यहाँ रख देते हैं, ये भी उठा लेते हैं, यहाँ रख देते हैं। ओके ये चेयर है, ये उठाते हैं सब, ऐसे पागलों की तरह मैं गिरा रहा हूँ, जबकि बहुत सारा महंगा सामान है हमारा, लेकिन क्या करें, बेगर्स भी आए जा रहे हैं ना यार, तो ये यहाँ रख देते हैं। ओके ये वाला कीबोर्ड जो है, मैं तुम लोगों को बता दूँ, ये गेमिंग कीबोर्ड कलरफुल, ये मुझसे गलती से परचेज हो गया, जो कि $1600 का था ऑलमोस्ट, लेकिन क्या करें, इसको हम अपने पीसी में लगा सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पीसी के यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए इसको रख लूँगा, और वो वाला जो है हम लोग वहाँ रख देंगे। तो चलो सबसे पहले सारा सामान उठा के मैं अंदर रख देता हूँ। ओके तो ये लास्ट बॉक्स है, और ये हमने कर दिया सब अंदर, और तो कुछ बाहर नहीं ना मैं, ओए क्या कर रहा है भाई, एक बार और देख लूँ मैं, नहीं और भाई मुझे तो अंदर ले ले, मेरी शॉप है। चलो अभी हम अपना, यार हमारे पास सिर्फ चार पाँच पीस हो गए, परफेक्ट पाँच पीस पूरे, माउस लेकिन मुझे सिर्फ तीन नज़र आ रहे हैं, चलो वो तो हम देख लेंगे बाद में। सबसे पहले मैं ये चेयर वगैरह इसको मैं यहीं रख देता हूँ। सबसे पहले हम सेट करते हैं अपने CPU। ओके CPU मैं नीचे रख सकता हूँ, यप हम लोग नीचे रख सकते हैं, नहीं नीचे हम लोग नहीं रख सकते, तो CPU हमें ऊपर ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे सही है। LCD को हम थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कर देते हैं बराबर में। ओके ये परफेक्ट, अब यहाँ से उठाते हैं हम लोग ये वाला माउस, माउस उठा के एक PC तो हमारा हो जाएगा कंप्लीट। इनकी वायरिंग वगैरह नहीं करनी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा यार ये माउस, अच्छा ये उल्टा, वो माउस कितना बड़ा है यार वैसे साइज में, इनका माउस पैड भी नहीं, ये कब ऐसे यूज़ करेंगे। ओके तो हम लोग जो है ये हमने सब सेट कर लिया, चेयर
चेयर का कह रहा है कि भाई थोड़ा बहुत मसला है, चेयर जो है वो गलत आ रही है। ओके इसको देखते हैं हम लोग। उई भाई ये तो देख के करना पड़ेगा, छूट गई ना तो फिर मसला हो जाएगा, सब खराब हो गया, इतर बितर हो गया, ये सब जो है हमें सेट करना पड़ेगा। इसको अगेन भाई सीपीयू तो कुछ ज्यादा पुराने जमाने का लग रहा है। ओके तो यहाँ पे जो हमारा एक पीसी सेटअप कंप्लीट हो चुका है, डेस्कटॉप वन कंप्लीट। अब जल्दी से जो है ना बाकी जितने भी मैं वो सारे कंप्लीट कर लेता हूँ, और हमारे कस्टमर भी भाई वेट करेंगे क्योंकि रात होने से पहले हमें ये सेट करना है ताकि अगले दिन जो है हम लोग अपनी शॉप ओपन कर दें। ओके गाइस तो अभी जो है ना यहाँ पे एक सीन बहुत बैड हो चुका है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, हमारे पास कैश भी कम हो गया, ऑलमोस्ट $515 बचे। और यहाँ पे अपने तीन पीसी रेडी हो चुके हैं, जिसमें से ये एक मॉनिटर मैंने दोबारा दूसरा लिया है। और यहाँ पे जो है ना भाई एक में मॉनिटर नहीं है, एक में तो मॉनिटर कीबोर्ड और माउस दोनों ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कैश ख़त्म हो गया। अब जो है ना सुबह हो चुकी है और हम लोग जो है ना यहाँ से इसको कर देते हैं ओपन, ताकि हमारे कस्टमर आने लग जाएं और फिर हमारे पास थोड़ा कैश भी आए। ये हम उठाते हैं पोस्टर, और पोस्टर को मैं बाहर कहीं लगा दूँ अगर यहाँ पर तो कैसा लगेगा, यहाँ पे सही है। ओके ताकि कस्टमर्स को ना पता चल जाए कि हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ होता है। तो अभी जो है ना हमें भूख, ये क्या कर रहा है भाई, थोड़ा सा हिलाऊं क्या तुम्हें, हैं हिलाऊं भाई जान फंस गए, नहीं 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 ओके हम लोग अंदर चल लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना ये बेसबॉल, वैसे इसका क्या होता है, सेल्स गन, इसको देखते हैं। ओके हमारा पहला कस्टमर आ चुका जो कि थोड़ा बहुत सैड है, ये तो वही है जो भाई बाहर था, इससे होता क्या है, ओह शॉक देता ही है। ओके इसको हम यहाँ रख देते हैं, ओह इसको मैं उठाता हूँ, इसको मैं यहाँ पर ना कहीं पर रख देता हूँ, चलो तुम यहीं पड़ी रहो। ओके ये क्या कर रहे हैं भाईजान, भाईजान गेम खेल रहे हैं, ओके भाई फुल मस्त, इनको क्या भूख लग रही है, बर्गर, सॉरी यार देखा ये जो है ना अभी इसको बर्गर भी चाहिए, तो हमारे पास जो है ना हमारा किचन तो हमने परचेज किया हुआ नहीं है, हमारे पास शेफ भी नहीं है, तो इस वजह से ना भाई इसको ये थोड़ा सा सैड है और हमें इग्नोर जो फेस होता है ना तो ये वो है। भजन वैसे गेम कौन सा खेल रहे हैं, इनका कीबोर्ड पे तो हाथ भी नहीं है, ये कहाँ जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, और कोई कस्टमर अभी तक आया नहीं, देखते हैं भाई को, क्योंकि भिखारी भी आ जाते हैं ना उनको हमें भगाना है यहाँ से। चलो कितने भाई इन्होंने कितने सैड हो रहे हैं, सॉरी ब्रो लेकिन हमारे पास अभी यार बर्गर्स वगैरह है नहीं, हम वो भी जल्दी रख लेंगे, आप हमें कमा के तो दो थोड़ा बहुत कैश हमें तो। ओके ये लाइट बंद हो गई, ओके ये ऑन हो गई, हमारे सर पे ही लगी हुई। एक और अंकल, अंकल आप क्या देखने आए इस उम्र में, भजन पैसे भाई, भाई पैसे पैसे भाई पैसे, नो फीस पेड, इसको तो मैं बताता हूँ अभी, इसने हमें फीस क्यों नहीं दी, कहाँ गया ये रहा, इसने हमें फीस नहीं दी साला, हमें फीस नहीं देगा, अब इसके देखो साले ने पैसे नहीं दिए ना, तुम कौन हो, निकलो यहाँ से, ये चोर लग रहा है मुझे, हट यहाँ से, ये चोर लग रहा है जिस तरह भागा यहाँ से, मुझे भाई बल्ला अपने हाथ में रखना पड़ेगा। ये अंकल क्यों गुस्सा हो रहा है, अंकल फेसबुक या व्हाट्सएप कुछ चला रहे हैं शायद, ओ अंकल मुझे लग रहा है कि भाई काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं बहुत ही लो क्वालिटी में। हेलो वेलकम वेलकम, ये PSL का बंदा लग रहा है, लेकिन चलो ये तो उसके अंदर भाई किधर गुस्से में, भाईजान पैसे पैसे है भाई, मेरे पैसे तो दो, तुम लोगों को इतना अच्छा सेटअप मैंने डाल के दिया। ओके $89 इन्होंने दे दिया, गुस्से में गए लेकिन चलो दे दिया, अच्छे खासे पैसे। इन्होंने मेरी LCD और कीबोर्ड ख़राब कर दिया क्या, जो ये क्रॉस बना हुआ आ रहा है, क्या सीन है, मैं अंकल को छोड़ूंगा नहीं अगर इन्होंने ये सीन करा। वेट मैं ये सही कर दूं ज़रा, इन्होंने मुझे लग रहा है कि ख़राब कर दिया शायद। ओके अब ये मैंने सेट कर दिया, कीबोर्ड में उठा लेता हूँ यहाँ से, भाई पैसे भजन पैसे, गुस्से में क्यों जा रहे हो, क्या नेट स्पीड कम है क्या ब्रो, पैसे, अच्छा गेट से बाहर निकलेगा कैसे, ओके $61 इसने भी दे दिए, 804 हो गए, हमें जल्दी से थोड़ा बहुत सामान लेना, तो इसको मैं उठा के सेट करता हूँ यहाँ पर। ओ भूख लग रही है मुझे जल्दी से ना, तो इसको ये हमने कर दिया परफेक्ट, अभी कोई आ तो नहीं रहा, नहीं अभी जो है ना यार हम लोग इसको करते हैं क्लोज, ताकि मैं घर से जो है ना कुछ खाकर आ जाऊं, क्योंकि हमारे पे इतना कैश नहीं है कि भाई पैसा खर्च किया जाए, हमारे घर में जो है पैसे पड़े हुए हैं, ओह सॉरी खाना पड़ा हुआ है, ये अपना होटल, होटल में चलते हैं खाना वाना खा लेते हैं और उसके बाद अगेन शॉप पे आते हैं। वैसे भी सुबह का ही टाइम हो रहा है ना यार, और वैसे भी थकन भी हो चुकी है, तो थोड़ा इंतज़ार, सॉरी वेट रेस्ट कर लेंगे,
ये अपना होटल है 233। ओके यार, खाना खाना भाई, खाना दे दे खाना ये। ओके ये कैन फूड पड़ा हुआ, ये भी खा लेते हैं, ब्रेड भी खा लेते हैं, ख़त्म। अब घर में जो खाना था वो भी ख़त्म, हमें जो है ना वो भी लेके आना पड़ेगा। ओके गेट तो मैं बंद कर दूँ, जल्दी से चलते हैं शॉप पर। और भाई कस्टमर जो हमारा वेट कर रहे होंगे, कस्टमर यार बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं। हमने तो कि 3 पीस ही डाले इतने अच्छे, उसके बाद भी। ओके लेडीज़ भी हैं, ये खोलते हैं ओपन, और उसके बाद जो है ना इसको बंद करके इसको भी ओपन कर देते हैं। अब आ जाओ भाई, बेसबॉल मेरा कावर है, ये बैड में उठा लूँ, मेरे ये ना हो कि कोई पैसे दिए बगैर चला जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके कोई आया नहीं भाई अभी तक, तो कोई भी नहीं आया आई थिंक, मुझे लग रहा है ये यहाँ आ रहा है। नहीं आओ भाई जान, डिस्काउंट है, आ जाओ, 50 Mbps इंटरनेट स्पीड है जोंग वालों की। ओके ये भी परफेक्ट है, अपना CPU वगैरह सब ओके हैं। यहाँ से जो है बस हमें एक LCD लगानी है, मॉनिटर मैं नहीं लगाऊंगा, जो पुराने वाले होते हैं वो हम लगा नहीं सकते। पोस्टर्स मैं देख लेता हूँ, यार अपने पास इतना तो कैश है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी तो हम देंगे। फ्री पैड भाई, ये तो ऐड ही आते रहते, मैसेज आया किसी का, कैन यू सेंड मी अ हमबर्गर। ओके वो जो पहला कस्टमर आया था ना भाई, उसको हमबर्गर चाहिए था, तो इस वजह से। ओके स्क्रैच एंड विन ये हमें नहीं चाहिए, स्क्रैच एंड विन में मैं देख लूँ, $50 का ये है, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके वॉलपेपर देख लेते हैं, ये तो डेस्कटॉप का है यार, एक जो हमारे स्टोर के लिए ना, शॉप के लिए, तो हमें वो, हमने गेम्स भी परचेज नहीं करे हुए, इस वजह से शायद कस्टमर्स हमारे GTU 6। देख लो रॉकस्टार वालों, तुम लोगों ने गेम लॉन्च नहीं किया लेकिन यहाँ पर आ चुका है GTU 6। ये $300 का है, काफ़ी महंगे महंगे गेम हैं। Counter 2.3 हो गए, Minecrafter भी है, साइबर बंकर 2077। हमें ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं ताकि हमारे कस्टमर जो है वो थोड़ा बोर ना हो। तो चलो भाई, और हमारा वॉलपेपर IC स्टोर नहीं, ये भी नहीं यार, मैंने ओ क्रिप्टो भी है भाई, माइनिंग भी होती है इधर, हम लोग ये भी कर सकते हैं और हमारे कैश जो है वो डबल कर सकते हैं यहाँ से। अब वर्कर्स हमें नहीं चाहिए, वॉलपेपर्स भी हमें नहीं चाहिए, IC डिज़ाइन में था। यप सॉरी ब्रो, ये वायरस लगा हुआ मेरे ख्याल से। ओके वॉल ये है, फ्लोर में ये सब है, सब बहुत महंगे महंगे हैं। सीलिंग में वॉल भाई बहुत महंगी है यार, अभी हमारी बजट में भी नहीं है, सॉरी ब्रो आई कान। चॉकलेट भी हमारे पास नहीं है, तो वो चॉकलेट मांग रहा था वो कस्टमर जो भी आया हुआ, ये कहाँ से आ गया इसको तो मैं भी बताता हूँ, ये कहाँ से आ गया। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, यहाँ से तुम्हारा काम नहीं है यहाँ पर, चलो नज़र नहीं आ जाना आइंदा के बाद। हेलो ब्रो, ब्रो यार अब तो मैंने गेम, ये कौन सा गेम खेल रहे हो आप, टेम्पल रन? चॉकलेट नहीं है ब्रो सॉरी, लेकिन मैंने गेम्स इंस्टॉल कर दिए हैं इसमें, तुम लोग खेल सकते हो GTU 6 और मैंने कौन सा लिया था, साइबर बंकर आई थिंक, या मुझे माइनक्राफ्ट लेना चाहिए था क्योंकि उसके व्यूज ज़्यादा हैं। हेलो ब्रो, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो इस पर, यूट्यूब पर लिखोगे ना शैडो गेमिंग, आप लोगों ने किया, आप लोग भी सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, नीचे रेड बटन आ रहा होगा। चलो यहाँ से जो है ना, यार सही है वैसे, इतने कस्टमर्स भी नहीं आ रहे, और अभी हमने ब्रो सॉरी इनको देख लेते हैं कि ये पैसे दे ना दे, ये ना होना कि हर कस्टमर को हम बार बार बोलें, अच्छा भी नहीं लगता। ओके इतने सारे पैसे, $234 बेस्ट। पुलिस वाला आ रहा भाई, यहाँ पे कुछ गलत काम नहीं हो रहा। ओके ओपन है, आ जाना, 440 हमारे पास ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो अभी इसको हम बेसबॉल बैट को यहाँ रख दें, और हमारी ऑलमोस्ट शॉप जो है वो अभी तक इतनी हो चुकी है। तो अगेन जो है ना, हमें थोड़े बहुत पैसे, थोड़े बहुत तो नहीं बल्कि बहुत सारे कैश हमें जमा करना है, ताकि हम लोग जो है अपनी शॉप को और रेनोवेट कर सकें, और जितनी अच्छी रेनोवेट होगी उतने अच्छे कस्टमर्स हमें पे करेंगे, और उतना ही भाई हमारी शॉप पर रश लगेगा। तो आज के लिए इतना ही था, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है ना, कस्टमर भाई मैं थोड़ा ऑडियंस से बात कर लूँ, आप जाओ गेम प्ले करो। ओके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग भी कर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।